अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या है जी, मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सलीम जजुआ एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले ये जो साइट पे आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत से मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं या ऐसे मेरे दोस्त या ऐसे मेरे जानने वाले या ऐसे मेरे व्यूवर्स हैं जो लोग यूके के अंदर हैं और वो हैवी लाइसेंस को आप एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, यूके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ उनको मसला बन रहा है, उनका जो आप क्या लेंगे उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। सो वो किस तरह से जो है वो अपना दुबई ड्राइविंग लाइसेंस को जो है वो यूके के अंदर एक्सचेंज करवा सकते हैं, वो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके जो है वो मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर बात उनको समझ आई तो वो उस तरह से जो है वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो एक्सचेंज करवा सकते हैं। बहुत से लोग जो है वो ये सवाल करते हैं कि यूएई ने जो है वो क्या बंद कर दिया है, सॉरी यूके ने जो है वो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस बंद कर दिया एक्सचेंज करना, ऐसी बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है। कहीं से भी आपने ये बात जो सुनी है यह बिल्कुल हकीकत बात नहीं है। हुआ कुछ यूं है कि यूएई ने क्या यूएई का जो हैवी ट्रक का लाइसेंस है उस पर कुछ मसला आ रहा है, लेकिन उसका भी हल है आपके भाई के पास। अगर कोई बंदा जो है वो इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा तो उससे बात करके उसको जो है वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और अगर आप जो है वो यूएई का डाटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो निकलवाना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी भी अगर कोई लाइट व्हीकल का डाटा वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट निकलवाना चाहता है तो वो निकलवा सकता है। लाइट व्हीकल का किसी भी तरह का कोई भी मसला नहीं आ रहा, यूएई का जो लाइट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है उसको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो यूके के अंदर अपना लाइसेंस को एक्सचेंज करवाता है। मसला किन लोगों को आ रहा है, मसला थोड़ा सा आ रहा है जो लोग हैवी व्हीकल ड्राइविंग है उनको थोड़ा सा मसला आ रहा है, लेकिन वो भी परेशान ना हो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जो है वो भी मसला अपना रिजोल्व करवा सकते हैं। बेसिकली बात कुछ इस तरह से कि अगर आपके पास दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस हो तो आप वो ड्राइविंग लाइसेंस डायरेक्टली विदाउट रोड टेस्ट विदाउट सिग्नल टेस्ट डायरेक्टली आप जो है वो अपना लाइसेंस यूके के अंदर चेंज करवा सकते हैं। शर्त यही है कि आपके पास ओरिजिनल कार्ड होना चाहिए। सेकंड बात यह है कि आपके पास जो है वो डाटा वेरिफिकेशन जो उनका सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, फॉरन ऑफिस से अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आप में से कोई भी दोस्त जो है वो सर्टिफिकेट निकलवाना चाहता है वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। और अगर आप यूके जा रहे हैं या जाने वाले हैं या जा चुके हैं तो आप इस जो बहुत ही जबरदस्त ऑफर है उससे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यूके का लाइसेंस बहुत डिफिकल्ट है, थ्योरी टेस्ट होता है, रोड टेस्ट होता है, सिग्नल टेस्ट होता है और क्लासेस होती है, और कम से कम जो है वो 600 पाउंड जो है वो आपका लग जाता है, 2-3 मंथ आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आपके पास दुबई का लाइसेंस है तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम भी जो है वो भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और इजीली एक्सचेंज भी जो है वो आपका डायरेक्टली विदाउट रोड टेस्ट विदाउट सिग्नल टेस्ट आपका लाइसेंस जो है वो हो जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, जो भी दोस्त मेरे चैनल में उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।